हो चुके हैं, बस रियो को तैयार करूंगी, बाकी देखो मेरा सारा सामान रेडी है। अब इतनी सारी फिशेस हो गई है ना कि इनको देखना पड़ता है पूरी आई कि नहीं आई, क्योंकि छोटी छोटी है ना, तो मतलब ये एक मेन काम था जाने से पहले जो करना बहुत जरूरी था। इतना हुए? इतने? 200 रुपए बहुत है? चलो लो दाढ़ी पकड़ो। और रियो ने एक ड्रॉइंग बनाई है, वैसे तो रियो ड्रॉइंग में बहुत ही अच्छा है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं हूं मिताक्षी रावत। पानी आ गया, मामी आवाज लगा रही। हाँ मामी, हाँ अरे अब भी आया, अभी खोला ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने नीचे नहीं आई थी ना। मामी है ना, मामी पानी का बता देती है, मतलब पानी वानी आता है हमारा, तो मामी सबको बता देती, पूरे मोहल्ले में आवाज लगाते रहती है पानी आ, चलो पानी तो आता रहेगा। और मेरे आप देख ही सकते हैं पीछे सब फैला रखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम जाएंगे परसों देहरादून, परसों देहरादून की हमारी तैयारी है। तो मैंने सोचा यार फिश टैंक को साफ कर देती हूँ, क्योंकि हमें लगेंगे 10-12 दिन वहाँ, तो फिश टैंक साफ करना ज़रूरी है। यहाँ से साफ करके जाती हूँ ताकि हमारी फिशेस अच्छे से रहे। तो आज सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ कि अपना फिश टैंक साफ कर दूँ, क्योंकि देखो ना नीचे नीचे ना ग्रेवल्स बहुत गंदे हो जाते हैं। सबसे पहले टैंक की सफाई करती हूँ, क्योंकि पानी भी आ रहा है फिर पानी भी भरना है। तो चलो अब इतनी सारी फिशेस हो गई है ना कि इनको देखना पड़ता है पूरी आई कि नहीं आई, क्योंकि छोटी छोटी है ना। मैंने इन्हें इनके पानी के साथ यहाँ डाल दिया है। तो चलो जी, फिश टैंक तो साफ हो गया और ये रही हमारी फिशेस, इनको अभी डालूंगी। पहले मैं फिश टैंक पे दवाई डाल दूँ, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप पानी चेंज करते हैं। ये तीन तरह की दवाई है, ये मछलियों की फिंस के लिए। चलो इनको डालती हूँ, लास्ट में फिशेस डालूंगी। चलो तो थोड़ा डालो, अदरवाइज कम जाओ, वही जाओ। थोड़ी देर में ये बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो मतलब ये एक मेन काम था जाने से पहले जो करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिशेस पे बहुत बुरा असर पड़ता, मर भी सकती थी। अब आएगी फिशेस की बारी, और माइलो देख रहा है ये आखिर चल क्या रहा है। माइलो, माइलो ये क्या चल रहा है? ये देखो फिशी, फिशी देखी आपने? फिशी आजा, फिशी देखी का कम, माइलो कम, फिशी चाहिए? ये देखो ये रही फिशी, खाओगी फिशी खाओगी? चलो फटाफट से फिश डालती हूँ, आगे का काम भी करती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है और पानी भी भर चुका है, पानी वाला काम भी हो गया है, बाकी सारा साफ सफाई झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया। और माइलो को खाना भी दे दिया, माइलो खाना खा के यहाँ पे बैठा है, और अब मैं खाऊंगी खाना। एक बच्चे बज गए हैं, मतलब बजने वाले हैं। और खाना खाने के बाद मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े निकालूँ अंदर आलमारी से, और थोड़ी बहुत जो पैकिंग हो सकती है वो मैं कर दूँ अपनी आज, फिर सोमी की रह जाती है पैकिंग, तो सोमी शायद शाम को जल्दी आएंगे तो वो कर देंगे। माइलो, माइलो कौन आया, कौन आया माइलो? बेल तो बजने थे, बेल तो बजने थे। सुन रहे रात को इतना खा खा के अपच हो जाएगी तो सुबह करोगे? रात को मित्र बनाई थी दाल, वो भी भटकी, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हार्ड हार्ड वाली दाल, मिक्स दाल, रात को 11 बजे खाया, सुबह तक वो खाई। तो तुमने बड़े चाव से, मैं चाय पी रहा था, अचानक सुबह मीटिंग होगी पूरी दाल बाहर मतलब ऐसा हो रहा जैसे बॉइल दाल नहीं होती बाहर आ जाती छी। ऐसी बातें, ऐसी गंदी बातें मत करो, कोई खाना खाते हुए देख रहा होगा हमारा व्लॉग तो उसको उल्टी आ जाएगी। दाली तो बोला है। फिश टैंक देखो, वाओ अमेजिंग, यू हैव क्लीन दिस? हां, क्योंकि तुम्हें तो होश नहीं है, मुझे होश था कि भाई हम जाने वाले हैं तो क्लीन इसको करना जरूरी है। कितने हुए? 200 रुपए बहुत है? चलो लो दाढ़ी पकड़ो, दे दो दे दो दे दो, वापस क्यों तुमने दिया है मुझे दिहाड़ी है, वो साफ कर लेंगे। तो दोस्तों आ गए हैं सोमी जी महाराज, 6:15 होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों मैं बनाती हूँ चाय। सबसे डेंजरस काम है कपड़ों की पैकिंग और फिर अनपैकिंग, क्या लगता है तुमको? तो यहाँ चल रही है हमारे कपड़ों की पैकिंग, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
मतलब यही होता है ना, मतलब सभी को होता होगा ऐसा, क्या ले जाओ क्या नहीं ले जाओ, फिर जब सब रख दो तो ऐसा लगता है कुछ भूल तो नहीं रहे, है ना? क्यों होता होगा ऐसा? क्या तुम अपने अलग बैग में ही ले जा रहे हो क्या, अटैची में रख रहे हो? तो दोस्तों फाइनली हम जाने वाले हैं और उसके लिए हम पैकिंग कर रहे हैं अभी, तो ये चल रही है अभी पैकिंग। अम्मू तू तो थकी हुई है दिन से। तो मैं थकूंगी नहीं, मैंने अलमारी साफ की, मैंने फिश टैंक साफ किया और अब मैं ये पैकिंग में लगी हूँ, वो भी सोमी को मैं उठा उठा के बोलूँगी पैकिंग टाइम पे कर दो। और गर्म कपड़े? गर्म कपड़े ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस एक जैकेट चाहिए और कुछ नहीं। और रियो ने एक ड्राइंग बनाई है, वैसे तो रियो ड्राइंग में बहुत ही अच्छा है। यार चमक क्यों रहा है? रियो ने बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, मतलब पेंटिंग या ड्राइंग करता है, शेडिंग वगैरह अच्छी करता है। रियो अच्छी बनाई यार तूने। थैंक यू। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, इसकी क्लास टीचर जो है ना उसने खुद मुझे कहा, इसकी क्लास टीचर ने, कि अनिमेश तुम ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, मेरा पोर्ट्रेट जरूर बनाना 6th क्लास पास आउट करने से पहले। बारह बजने वाली है। आज क्या हुआ कि मुझे एडिटिंग करते 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 12 बज गई और इन दोनों ने तो खाना खा लिया और मूवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी मिलती है? कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं ये दोनों तो देख ही रहे हैं। हमारा तीसरा भी देख रहा है, ये देखो तो काल बबलू डर लगती है, है? ये भी नहीं सोता, पता कब तक नहीं सोता? जब तक हम नहीं सोते ना तब तक ये सोता नहीं है। सो जाओ बता। तो लेट हो गई आज, ऐसे करते करते करता हूँ मैं डिनर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है हमारी तैयारी अभी फिलहाल देहरादून जाने की, देहरादून से कहीं और जाना है वो मैं आपको जल्दी बता दूंगी ब्लॉग में। तो फिलहाल आज निकलेंगे हम देहरादून के लिए, अभी बज रहे हैं 10 और सोमी गए हैं ऑफिस। तो सोमी जब ऑफिस से आ जाएंगे, मतलब हमें निकलते निकलते लेट हो जाएगी, 1-2 बजे तक या 2-3 बजे तक हम निकल पाएंगे देहरादून के लिए, रात तक ही पहुंचेंगे। और साथ के साथ हमें गाजियाबाद से मम्मी को भी लेना है, तो पहले हमें गाजियाबाद जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी मैंने फिलहाल नाश्ता बना दिया है और ये तो स्कूल नहीं गया क्योंकि रियो अगर स्कूल जाता तो 3 बजे से पहले तो नहीं आता, तो 3 बजे से पहले हम निकल जाएंगे। और मैंने नाश्ते में बनाया पोहा। तो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, पैक वैक सब हो गया है, थोड़ा बहुत सामान है वो मैं रख लूंगी और बस माइलो को पैक करना बाकी है। ये बैठा है हमारा माइलो। माइली देहरादून जाओगे? माइलो देहरादून जाओगे? माइलो रेड बैग ना, हमारी रेड अटेजी है ना, ये जब भी निकलती है ना माइलो समझ जाता है हम कोई लंबा सफर करने वाले हैं, सच में माइलो ऐसे समझ जाता है। तो बस आज उसी की है तैयारी। और खाना वाना हमारा सारा गाजियाबाद में ही, क्योंकि मम्मी ने मुझे फोन किया था सुबह, मम्मी ने बोला तुम खाना वाना मत बनाना, खाना मैं यहाँ बना के रखूंगी, यहाँ आना खाना खाना तब निकलेंगे। तो बस सोमी आते हैं उसके बाद हम निकलते हैं। अभी मैं अपना थोड़ा छोटा मोटा सामान रखती हूँ और बाकी के काम फटाफट से निपटाती हूँ और फिर हम निकलेंगे। तुमको खाना नहीं खाना है क्या है? कल सोमी ने माइलो लिमिट से ये फूड मंगाया है। माइलो के लिए हमेशा ना अलग अलग फूड आता है, पेडिग्री का मंगा रही थी, इस बार हमने जूल्स का मंगाया है और माइलो को ये वाला खाना देती हूँ और साथ में सोमी ने ये लिक्विड वाला भी मंगाया है पेडिग्री। तो ये किसका खाना है माइलो? किसका खाना है ये? ये किसका खाना है? रियो तू खा ले इसका खाना। माइलो को पता है ये मेरा है। अच्छा रुको मैं दूंगी। रुको रुको वेट, आई सेड वेट। ये कैसा वाला है देखो, ये फर्स्ट टाइम हमने मंगाया है। इसमें छोटी छोटी सी बोन, रुक ना माइलो, अरे नहीं खा रहा रियो। ये देखो छोटी छोटी बोन्स भी हैं इसमें, बोन का शेप भी बना हुआ है ऐसा। माइलो दिखाने देना, ऐसा वाला भी है और बोन वाला भी है देखो। ओ, वेट वेट, हाँ वेट करो, माइलो कहना तो मान लेता है। माइलो वेट, हाँ वो उसने रात को देखो, माइलो को देखो, माइलो ना न्यू फूड एंजॉय करेगा। तो जी 12:30 हो चुके हैं, अभी तक सोमी नहीं आए हैं, पैकिंग मेरी सब हो गई है, नहाना धोना सब हम रेडी हो चुके हैं, बस रियो को तैयार करूंगी। बाकी देखो मेरा सारा सामान रेडी है, माइलो का खाना मैंने पैक कर दिया, अपने छोटे मोटे सामान इसमें रख दिए, हमारा बैकपैक तैयार है, माइलो भी तैयार है, चार्जर वार्जर सब मैंने रख दिया है, मतलब पूरी तैयारी मैंने कर दी है, बस सोमी के आने की देरी है। बाकी मेरा किचन विचन सब मैंने साफ कर दिया है, सारे बर्तन मैंने अंदर रख दिए क्योंकि हम जब तक आएंगे ना तब तक इनमें धूल मिट्टी जम जाएगी, मतलब ऊपर ग्राउंड फ्लोर में है तो यहाँ ना धूल मिट्टी बहुत जल्दी होती है, जब मैं आऊँ तो मुझे ज़्यादा काम ना ज़्यादा भारी ना पड़े। और साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है, बट वही है कि घर बन बन में
दोबारा आके वही पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है। और हमारी फिशेस भी हमें बाय करने के लिए रेडी हैं। फिशेस की आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए और हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिशेस को खाना भैया देंगे। तो अभी एक चाबी भैया को देके जा रही हूँ ऊपर, परी को। तो परी रखेगी हमारी फिशेस का ख्याल। क्यों परी? हमारी फिशेस का ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए बनाती हूँ मैं कॉफ़ी, थोड़ी देर में शायद सोमी भी आते होंगे, फिर करते हैं तैयारी और निकलते हैं गाज़ियाबाद के लिए पहले।